दोस्तों ट्रांसपोर्ट से तो निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप। यही मेरा टंकी फुल हुआ है 272 का। दोस्तों आपसे हमारा आज तक का मतलब सबसे लंबा ट्रिप स्टार्ट हो गया है, टोटल 3200 किलोमीटर का। दोस्तों अभी हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं घाटी के बीच में, अभी और ऊपर करीब चलना पड़ेगा। थक गए थे ऊपर चढ़ने में, तो बहुत ज्यादा कमेंट भी आया कि राजेश जी थोड़ा डाइटिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा करके करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। और करने का मतलब है कि हमको चिकन मटन छोड़ना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आपसे फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हम आ गए ट्रांसपोर्ट पे, और हमारा क्या है कि आज हमारा यहाँ से निकलना है गोवा का, तो हम लोग गोवा से हम निकल रहे हैं। हमारा छुट्टी भी सब खत्म हो गया, और हमारा अभी चलिए डीजल डलवा दीजिए, अभी यहाँ से हमारा विदाई है, क्योंकि फिर आते हैं जल्दी, बहुत जल्दी आएंगे। हाँ तो चलते, चलिए हमको डीजल डलवा दीजिए, हम निकलते हैं। ट्रांसपोर्ट है गोवा इंदौर रोडवेज। ठीक है दोस्तों, आज हमारा लास्ट दिन है गोवा में, बस निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों ट्रांसपोर्ट से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप। तो पेट्रोल पंप में क्या है, इन लोगों का हिसाब रहता है, वो हमको कैश नहीं मिलता है, वो पेट्रोल पंप वाला को ही देते हैं, बाद में देते हैं। तो हम लोग वहीं पर टंकी फुल कर लेंगे, अभी यहाँ थोड़ा सस्ता है डीजल गोवा में, तो यहाँ टंकी फुल करें फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग अभी। दोस्तों अभी डीजल लेने आ गए हैं, दोस्तों देख सकते हैं गोवा का रेट डीजल का यही है, तो इसलिए टंकी फुल कर ले रहे हैं थोड़ा सा, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, तेल का टेंशन नहीं रहेगा, फिर अपना हो सकता है कि झारखंड तक पहुँच जाए अपना गाड़ी। दोस्तों मेरा टंकी फुल हो चुका है, अब देख लीजिए मीटर में कितना तेल आया, देखते हैं अभी कितना टंकी फुल हुआ। पहले से मेरे पास 100 लीटर था मेरे पास, यही मेरा टंकी फुल हुआ है 272.61। और इतना दिन रह गया था हमारा, सब भाई लोग आए हमको छोड़ने के लिए, काफ़ी दिन रहे यहाँ पर, हो गया हमारा छुट्टी, निकल रहे हम यहाँ से, काफ़ी दिन रह गए, अभी 8 दिन से रुपया ले आए थे, आज हमको 8 दिन हो गया, चलिए बहुत ही अच्छा लगा यहाँ मिलकर, फिर आते हैं। ओके दोस्तों, अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, और अभी हम लोग होटल में आ गए हैं। जब गोवा आ रहे थे घाटी से उतरने के बाद, जिस होटल में हम लोग रात में रुके थे, ये देखिए वहीं पे गाड़ी खड़ा कर दी है, लॉक कर दी है। अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए, यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद थोड़ा देर रुकने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खाने के लिए, और देखिए ऑर्डर किया है सेव भाजी, यही हमको अच्छा लगता है इसलिए, और पापा का है आलू गोभी, ना आलू गोभी सूखा मसालेदार आलू गोभी। दोस्तों खाना खाने के बाद निकल गए, और आगे आने के बाद हम लोग को मिला बॉर्डर गोवा का, जो वहाँ से कर्नाटक स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से क्या है घाटी स्टार्ट हो जाता है। घाटी में होटल वोटल है नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ पहले खाना खा लिए थे, क्योंकि यहाँ पर चार चक्का उतारने का भी जगह नहीं है, तो फिर होटल कहाँ से खुलेगा। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं घाटी में है, घाटी काफ़ी लंबा है, और जैसे घाटी चढ़ेंगे तो अपना फिर बॉर्डर आ जाएगा आपका कर्नाटक बॉर्डर, फिर वहाँ से कर्नाटक का सफर रहेगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र का इन होगा। ठीक है दोस्तों, घाट चढ़ते हैं, दिन दिन में घाट चढ़ जाते हैं तो अच्छा रहेगा, कि दिन दिन में सब कुछ साफ साफ दिखता है, टर्निंग वगैरह सब, और रात में क्या है थोड़ा दिक्कत होता है टर्निंग में। दोस्तों आपसे हमारा आज तक का मतलब सबसे लंबा ट्रिप स्टार्ट हो गया है, टोटल 3200 किलोमीटर का, तो इसमें टोटल 4-5 स्टेट आएंगे पूरा। अभी जैसे गोवा से लौट किए, थोड़ा सा कर्नाटक आएगा, उसके बाद फिर महाराष्ट्र, तो पूरा A to Z मतलब इधर से इन करके एकदम लास्ट कॉर्नर नागपुर तक जाना है, तो वो करीब 1100 किलोमीटर के आसपास है कुछ पूरा महाराष्ट्र। फिर उसके बाद हम इन कर जाएंगे छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ भी पूरा मतलब कवर करना है स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक। वहाँ से फिर ऑप्शन आता है अपने पास कि झारखंड भी जा सकते हैं, नहीं तो फिर इधर बिहार होके भी, तो घर हम लोग काफ़ी दिन से नहीं गए हैं, तो इसमें घर भी आएगा, इसलिए हम लोग सोचे झारखंड होते हुए बिहार जाएंगे। झारखंड के बाद दोस्तों बिहार, फिर बिहार के बाद बंगाल, फिर बंगाल के बाद आसाम, पर फिर आसाम के बाद मेघालय आ जाएगा। तो इतना स्टेट टोटल हम लोग कवर करके पूरा जाना है, तो सफ़र हमारा आपसे स्टार्ट हो गया पूरा मेघालय का। देखिए आज देखते हैं कितना किलोमीटर हम लोग सफ़र करेंगे, और उसके बाद कितना बचता है अभी। दोस्तों अभी हम लोग एकदम ऊपर आ चुके हैं घाटी के बीच में, अभी और ऊपर करीब चलना पड़ेगा, तो पूरा लंबा कितना किलोमीटर का है, 40 किलोमीटर, पूरा 40 किलोमीटर का है दोस्तों ये घाटी, पूरा सफर अभी चलते रहना है। देखिए कितना ऊंचा आ गया हम लोग, जो रास्ता में हम लोग बीच में रुके थे वो पार हो गया, अभी हम लोग उससे भी आगे आ गए हैं, तो अभी चलते जाना है। दोस्तों घाट तो पूरा चढ़ गए, और यहाँ से एक और बॉर्डर मिल गया हमको कर्नाटक का, तो यहाँ सब कर्नाटक हमारा चालू होता है, और बेलगांव वगैरह पार करने के बाद मेरा कर्नाटक खत्म होगा, फिर अपना सांगली के पास ले जाके महाराष्ट्र आएगा। तो चलते हैं यहाँ का जो सिस्टम वो पूरा करके आते हैं अभी। दोस्तों अभी यहाँ बॉर्डर का काम हो गया, अब निकल रहे हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग घाट चढ़ चुके हैं, और घाट चढ़ने के बाद क्या है कि इधर का रोड थोड़ा सा खराब पड़ता है, और खराब पड़ता है तो मेरा स्टेपनी जो देख सकते हैं, स्टेपनी जो है बना यहाँ लगा हुआ है,
वो मेरा पंचर हो गया था आगे का टायर, तो उसको हम लोग बनाने का समय नहीं मिला था। और अभी हम लोग आ गए हैं तो देख रहे हैं कि समय, अभी हम लोग जब बेलगांव जो पार करेंगे तो उसमें 90 रहता है, तो उसको ऐसा समय बना बना कर निकलेंगे हम लोग कि वहाँ पर 90 टाइम में पहुंचे और अपना दोनों काम हो जाएगा, शाम शाम में टायर भी बन जाएगा। और धीरे धीरे चलेंगे, इधर से रोड थोड़ा खराब पड़ता है तो स्टेपनी रखना जरूरी है, अगर खराब जाए किस कारण तो मिले तो बदल लेंगे। तो देखिए सागर अभी खोल रहा है टायर को, अभी सागर अभी खोल रहा है टायर को, टायर को खोलते हैं और बना बना कर फिर टांगेंगे इसको, फिर जहाँ जैसा जरूरत होगा वैसा फिर कर लेंगे इसको। टायर तो अभी खोल लिए हैं, अभी यहाँ पर भी खुल रहा है, देखते हैं यहाँ पर पंचर हुआ क्या चीज़ था, क्या ना गिट्टी मारा है ना कांटी मिला कुछ ऐसा, अभी मिला नहीं क्या चीज़ पंचर हुआ था, खोलने के बाद ही मालूम चलेगा। कई बार ऐसा था कि वेल्पिन से हवा चेक होता है तो वेल्पिन से भी निकल जाता है, तो हम तो चलो खुला है तो फिर बढ़िया तरह से चेक हो जाए, सोचना कई बार पतला खिला हो हमको नहीं मिल रहा होगा। अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए छेद मिल गया है, इस वाले छेद से काट ही लगा होगा। दोस्तों पंचर तो मिल गया है, कोई कोई खिला ही गड़ा था, खिला से ही पंचर हुआ, तो देखते हैं पंचर बनवाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ठंडा ही पंचर बनेगा, ज्यादा बड़ा पंचर आता है तो पकाया जाता है, तो ठंडे ही बनवाते हैं कंप्लीट करवाते हैं। अभी दोस्तों अभी हम लोग टायर तो फिट करके निकल चुके हैं और शाम के 5:30 भी बज गया है, तो यहाँ से अभी बेलगाम में सिर्फ नो एंट्री मिलेगा हम लोग को, वो भी रात को 8 बजे छोड़ेगा, तो उसी हिसाब से हम लोग जा रहे हैं कि उधर नो एंट्री खुल जाए तब हम लोग पहुंचे। रास्ता थोड़ा खराब हो गया है तो अभी जा रहे हैं यहीं पे, देखिए अब बेलगाम का नो एंट्री क्रॉस करने के बाद फिर उधर कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते रहेंगे हम लोग। दोस्तों एक चीज अच्छा हुआ कि आज हम लोग निकल गए वहाँ से, नहीं तो कल से ये रोड जो है ये बंद होने वाला है। यहाँ पर क्या ना कि इस रोड में एक रेलवे फाटक पड़ता है, तो उसमें क्या है कि डबल लाइन बनाया जा रहा है, तो डबल लाइन के रोड को काटेगा वो, तो और कोई रास्ता ही नहीं है गाड़ी जाने के लिए। दोस्तों बेलगाम और गोवा का रूट तो ये वाला है, इसको अनमोल घाटी होते हुए बोलते हैं, रास्ता जैसे कई है लेकिन हम लोग के लिए बताया गया था कि कंटेनर के लिए यही सही है क्योंकि इसमें थोड़ा चौड़ा रोड मिलता है, ऐसे और भी जो गाड़ी है डाला गाड़ी है वो से भी जा सकता है दूसरा रोड से। तो हमको जिस टाइप का हम पूछे थे तो हमको बताया था कि ये रास्ता में क्या है कि कोई परेशानी नहीं है, खास तो कंटेनर गाड़ी और लंबा गाड़ी, और इसी में है कि नो एंट्री लगता है बड़ा गाड़ी के लिए, 6 चक्का हमारा है तो हमारा गाड़ी चल सकता है, और बाकी 6 चक्का के बाद जो भी टायर बढ़ता है उसके गाड़ी के लिए नो एंट्री यहाँ पर है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। तो खैर अभी तो खैर 25 दिन के लिए बंद हो गया है, ये 5 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, अब तो खैर गाड़ी भी बहुत कम हो जाएगा, सिर्फ छोटा गाड़ी ही चलेगा, छोटा गाड़ी का डायवर्सन छोटा सा बनाया है वहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग बेलगाम सिटी आ चुके हैं ये देखिए, और अभी नो एंट्री खुल गया है, थोड़ा 8:30 बज गया अभी, तो अभी आराम से लोग निकल रहे हैं, सामने एक कंटेनर जा रहा है तो उनसे भी बात हुआ था, वो बोले हम लोग साथ में निकलेंगे, तो निकल रहे हैं अभी। दोस्तों अभी रात के 11 बज चुका है और गाड़ी हम लोग लगा दी होटल में, देख सकते हैं बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पार्किंग है यहाँ पे, और पहले हम बोला गाड़ी जब 16 चक्का लेके आते थे जब भी नाम बेलगाम तो यहीं पे गाड़ी खड़ा करते थे क्योंकि यही एक होटल अच्छा है ढंग का, खाना वाना भी मिलता है, तो यहाँ से हम लोग 4 लाइन छोड़ने वाला है, अंदर चिकोड़ी होकर जाएंगे, तो उधर समझ लीजिए सांगली तक कोई होटल नहीं है, तो रात के 11 बज चुका है, फिर ज़्यादा रात में उधर बंद भी हो जाता है होटल अगर सांगली पार करते हैं, तो इसीलिए यहीं पर हम लोग सोने वाले हैं, फिर यहाँ सुबह उठ के चलेंगे, वो सिंगल रोड है और वहाँ कुछ मिलता भी नहीं, ना चाय ना होटल कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों जा रहे हैं, खाना खाते हैं होटल में यहाँ पे। दोस्तों हमारा खाना आ चुका है, हमारा आज का खाना पनीर मसाला और रोटी, देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का है, लगता है कि मतलब दो रोटी से ही हो ही जाएगा, फिर बच ही जाएगा लग रहा है हमको। दोस्तों अभी हम लोग खाना खा के तो आ गए, और जो कल का जो ब्लॉग था हमारा उस जो डला था तो उसमें जो पापा बहुत थक गए थे ऊपर चढ़ने में, तो बहुत ज्यादा कमेंट भी आया कि राजेश जी थोड़ा डाइटिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए ऐसा करके, तो गोवा में भी जो सब्सक्राइबर भाई लोग मिले वो लोग भी बोल रहे थे डाइटिंग कीजिए एक्सरसाइज कीजिए ऐसा करके, और हम भी बोलते हैं, तो बताइए ये चीज मतलब आपका सेहत के लिए बोल रहे थे, बताइए सही है कि नहीं? करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, और करने का मतलब है कि हमको चिकन मटन छोड़ना पड़ेगा, तो चिकन मटन छोड़ेंगे तो फिर भी कमेंट आएगा कि बहुत दिन से बना नहीं चिकन मटन, तो चिकन मटन कम खाइए, कम थोड़ा खा लेंगे और क्या, हम कम खाएंगे, हम सोचे हुए कि देखो सुबह उठ के हम चल नहीं पाते इधर उधर, तो इससे अच्छा कि वो जो नहीं क्या बोलते ऐसे करते हैं स्किपिंग ना, स्किपिंग वही ऐसे से घुमा घुमा जो कूदते हैं जो, तो पहले बचपन में हम लोग करते थे, लड़की लोग भी बहुत खेलती थी और हम लोग भी उसको लेके खेलते थे, तो वो बहुत अच्छा चीज है, हमको कहीं रनिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खड़े खड़े हो जाएगा वो वाला, तो सुबह उठ के वही सोचे हैं कि कम से कम टाइम देखेंगे कि इतना टाइम में हम कितना कर पाए, और फिर इतना टाइम में डेली बढ़ता जाएगा मेरा, तो वही एक मेरा अभी है कि वही अब करते हैं, क्या जिम हम तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं हम लोग गाड़ी वाला आदमी, तो उसके लेके वही हम गाड़ी में रखेंगे वही करेंगे और अपना सेहत को थोड़ा कम करेंगे।
तो दोस्तों आपसे हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि तेल वाला खाना ज्यादा ना खाए और थोड़ा एक्सरसाइज करे और थोड़ा डाइटिंग भी करे, डाइटिंग भी जरूरी है। तो ये सब अब से मतलब हमारा स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा आपसे मतलब ध्यान रखेंगे। वो क्या कि कभी कभी होटल में हम लोग जाते हैं ना, तो होटल में वैसा खाना मिलता नहीं है, और रूल है ट्रक खड़ा किए तो होटल में तो खाना पड़ेगा इसी को लेकर। तो वही कभी कभी प्रॉब्लम होता है, दोपहर में तो खाना बना लेते हैं लेकिन रात में तो सेफ्टी चाहिए ना गाड़ी खड़ा करने के लिए, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आपसे अपना मतलब डाइटिंग स्टार्ट ना। हाँ, डाइटिंग पहले वो लेना है, देखते हैं कहाँ मिलेगा, नागपुर में मिलेगा कि करायपुर में मिलेगा, लेकर के फिर वो चालू हो जाएगा अपना काम। दोस्तों अभी जा रहे हैं हम सोने के लिए, और क्या ना कि हम लोग आज निकले तो करीब 12 बज गया हम लोग गोवा से निकलते हुए, तो अभी सर लेट हो निकले हम लोग, अभी सुबह निकलते तो हमारा लगता है कि सफर काफी कट जाता, लेकिन तो हर चीज तेल तूल सब कुछ करने में टाइम लग जाता ज्यादा थोड़ा। दोस्तों अब तो अपने ऊपर है, हम लोग आ गए होटल पे, तो यहाँ सुबह जब निकलेंगे हम लोग तो अपने सुबह सुबह निकल जाते हैं हम यहाँ से, तो सफर कुछ ज्यादा ही कटता है, तो कल से हमारा जो है सफर अच्छा कटेगा। तो आपको सब नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि कल हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, रात तक नांदेड़ है कि नागपुर में है। तो ठीक है दोस्तों, टारगेट तो मेरा वही रहेगा नांदेड़ या नागपुर में। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।